तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दर्जनों लोग एक खेत में एक साथ मिलकर फसल की कटाई कर रहे हैं। ये नजारा देखकर फिल्म नया दौर का वो गाना याद आ जाता है जिसके बोल थे जरा साथी हाथ बढ़ाना। खेत में फसल काटे जाने की ये तस्वीरें हैं जैसलमेर जिले के धोलिया गांव की, जहां पूरा गांव एक साथ मिलकर पकी फसल को काटने में जुटा है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि पूरा का पूरा गांव ही एक खेत में फसल काटने में जुट गया। तो इसके पीछे वजह भी जान लीजिए। दरअसल धोरिया गांव का ये खेत उस परिवार का है जिसने कुछ दिन पहले ही अपने घर का जवान बेटा खोया। गांव में भूरा लाल के 18 साल के बेटे गणपत के कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में मौत हो गई थी। पूरा परिवार शोक में डूबा था। गांव के सभी लोग भी शोक जताने पहुंचे। गम में डूबा पूरा परिवार इस स्थिति में नहीं था कि वो अपनी फसल को काट सके। फिर क्या, पूरे गांव ने मिलकर महज 2 दिन में ही 10 बीघे में खड़ी फसल को काट डाला। उनके खेत में गेहूं और जीरे की फसल थी। लोगों को लगा तूफान और आंधी से फसल खराब हो सकती है। एक तो ये भगवान ने, कुदरत ने ये तकलीफ दी, दूसरा ये फसल खराब हो गई तो कैसे होगा। लोगों ने विचार किया, गांव के लोगों ने, हम क्या कर सकते हैं। तो एक विचार आया कि भाई जो फसल है उसको अपन सब लोग मिलकर काट लेते हैं तो एक परिवार को ये सहयोग होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग की ओर से एक चेतावनी जारी कर आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई थी, जिसे लेकर गांव के लोग भी काफी डरे थे। लोग यही सोच रहे थे कि अगर शोक में डूबे इस परिवार की फसल भी खराब हो गई तो ये परिवार गहरे सदमे में चला जाएगा। धोलिया गांव के लोगों ने मुसीबत की इस घड़ी में इस परिवार का जिस तरह से साथ दिया है उसकी हर कोई तारीफ करते थक नहीं रहा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, नया दौर फिल्म की ये उक्ति आज भी कई गांव में देखी जा सकती है। जैसलमेर के धोलिया व फलौदी के दयाकर गांव में जब 2 युवाओं की मृत्यु हो गई, पूरा घर पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। उनकी तैयार खड़ी हुई फसल को कोई काटने वाला नहीं था। तब गांव वाले सब मिलकर उस घर की न केवल फसल काटी बल्कि उन्हें संबल भी बंधाया। ये सचमुच एक मिसाल बन गई और सबके लिए उदाहरण का केंद्र बन गई। विमल भाटिया, जैसलमेर।